Yes, my dear students, now we will read the second part of our chapter Lost Spring class 12, that is I want to drive a car. The first part was sometimes I find a rupee in the garbage, about a boy named Sahib-e-Alam. And अब हम इसका second part I want to drive a car पढ़ेंगे. ये भी एक poor boy के ऊपर ही है जिसका नाम था मुकेश. Okay, तो ये मुकेश के ऊपर है, मुकेश की कहानी है, मुकेश और उसकी फैमिली की और कई बहुत सारे लोगों की जो कि सेम बिजनेस में ही बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि मुकेश और उसकी फैमिली है. ठीक है, तो अब हमारी राइटर, हमारी ऑथर एनिस जंग भी इससे मिली थी, मुकेश से, और देखते हैं क्या हुआ जब हमारी एनिस जंग ऑथर मुकेश से मिली. तो I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. Writer R. Ennis Jung met a boy named Mukesh and there was a light, there was a hope in his eyes. He was aspired to become a motor mechanic. Uski ichha thi, bahut hi zyada aspired tha wo motor mechanic banne ke liye. उसने ये बात किसको बोली, हमारी राइटर एनिस जंग को बोली. अब हमारे राइटर ने उससे क्या पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कुछ भी पता है कार्स के बारे में, आई आस्क, ऑथर ने पूछा. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. अब बिल्कुल ही उनकी आँखों में आँखें डाल के, एनिस जंग की आँखों में आँखें डाल के देख के उसने क्या बोला मुकेश ने, कि मैं सीख लूँगा ड्राइव करना. ठीक है, स्ट्रेट इनटू माय आईज़ क्या शो करता है, उसका पूरा डिटर्मिनेशन, उसका कॉन्फिडेंस को शो करता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने ड्रीम को लेके. ठीक है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मैरिज, एक सेकेंड, हिज ड्रीम्स looms like marriage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. अब देखिए उसका ये ड्रीम कैसा लग रहा था, जिस जहाँ पे वो रहता था ना, फिरोजाबाद के बीचों बीच, डस्टी स्ट्रीट्स के बीचों बीच, वहाँ पे उसका ये ड्रीम सुनने में ऐसा लग रहा था कि रियलिटी से बहुत ही फार अवे है. ठीक है, हालांकि वो इतना कॉन्फिडेंट था, फिर भी उसका ये ड्रीम मुझे ऐसा लग रहा था कि रियलिटी से ये क्या है, फार अवे है. क्योंकि वो कहाँ रहता था, फिरोजाबाद में रहता था, जहाँ की जो स्ट्रीट्स थी, लेन्स थी, डस्ट से भरी हुई थी, उनके बीचों बीच उसका घर था. ठीक है, मैरिज का मतलब यही है, मैरिज अमिडस्ट हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मैरिज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स का मतलब यही है, उसके जो ड्रीम्स थे वो फार अवे लग रहे थे रियलिटी से, हालांकि उसके वो इतना कॉन्फिडेंट था फिर भी. ठीक है, अब देखते हैं क्यों भैया ऐसा क्यों था. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि हर दूसरी फैमिली, हर फैमिली ऑलमोस्ट फिरोजाबाद में, किस फिरोजाबाद जगह पे किस चीज़ में बिजी थी, एंगेज थी बैंगल मेकिंग में. वहाँ की हर फैमिली किस प्रोफेशन में बिजी थी, क्या प्रोफेशन उन्होंने ऑप्ट कर रखा था, एक सिंगल प्रोफेशन ही उन्होंने ऑप्ट कर रखा था, दैट इज़ बैंगल मेकिंग. ठीक है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेज वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. अब ये जो फिरोजाबाद था, फिरोजाबाद तो फेमस ही इसी चीज़ के लिए था, बैंगल मेकिंग के लिए. ये तो सेंटर था इंडिया का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहलाई जाती थी फिरोजाबाद को, जहाँ पे फैमिलीज ने अपनी सारी जनरेशन, ऑलमोस्ट अपनी सारी जनरेशन किस में स्पेंड करी थी, फर्नेसेज के अराउंड काम करते हुए स्पेंड करी थी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्नेसेज, फर्नेसेज होती है भट्टियाँ जिसमें आग जला के वो बैंगल को मोल्ड करते हैं, उसे शेप देते हैं एंड ऑल. वेल्डिंग ग्लासेस में उन्होंने अपनी जनरेशन स्पेंड की थी फिरोजाबाद के लोगों ने, बैंगल्स बनाने में. और ऑलमोस्ट ऐसा लगता था पूरे संसार में जितने भी वुमेन्स हैं उन सब के लिए बैंगल्स यहीं फिरोजाबाद में ही बनाई जाती थी. ठीक है, तो जब ये बात थी तो उसको, राइटर को लगा कि उसका ये जो ड्रीम है रियलिटी से काफ़ी फार अवे है. हालांकि वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट था, इतना डिटरमिन्ड था अपने ड्रीम को लेकर के. ठीक है, आगे देखते हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी, बाकी फैमिलियों में से जो कि बैंगल मेकिंग में बिजी थे. तो मुकेश की फैमिली भी किस आर्ट में, किस प्रोफेशन में थी, इस बैंगल मेकिंग प्रोफेशन में ही थी. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विद
high temperature in dengue cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of those hot furnaces where they slog their daylight hours. अब मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये बच्चों के लिए इलीगल है भाई वहाँ पे काम करना, ऐसे ग्लास फर्नेसेस में काम करना जिनका टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होता है, ऐसे डार्क सेल्स में, डिंगी सेल्स में, डिम और डार्क सेल्स में काम करते थे जहाँ पे कोई एयर नहीं थी, उनकी आइज को उस डार्कनेस में एडजस्ट होना पड़ता था, ठीक है. और उन दैट द लॉ इफ एनफोर्स, और अगर लॉ एनफोर्स कर दिया जाए, लॉ फोर्स में लाया जाए, तो ये जो 20,000 चिल्ड्रंस जो कि इस काम में एंगेज है, हॉट फर्नेसेस के अराउंड अपना पूरा दिन बिताते हैं, पूरा डे लाइट आवर्स अपना सारा का सारा दिन इसी में ही बिताते हैं उन डिंगी सेल्स में काम करने में, ठीक है, तो वो उनको बाहर निकाल देंगी. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इसमें काम करने की वजह से उनकी क्या हो जाती थी, ब्राइटनेस, आइज की जो आई साइट थी उनकी वो बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल वीक हो जाया करती थी, ठीक है. अगर लॉ एनफोर्स हुआ तो उनको ये पता चल जाएगा कि दैट वर्क दे वर डूइंग वॉज अनलॉफुल, ठीक है, इलीगल था, क्योंकि बच्चों को इस काम में लगाना क्या था, इलीगल था, अनलॉफुल था. आगे देखते हैं. मुकेश आइज बीम एज द वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ट. मुकेश की आंखें एकदम से लाइट अप होगी क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ उसके घर चलूं, जो कि उसने बड़ी ही प्राउडली मुझे कहा था कि मेरा घर क्या हुआ है, रीबिल्ट हुआ है, रेनोवेट हुआ है, तो वो चाह रहा था कि मैं उसके साथ उनके घर चलूं. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स, हाँ, दैट रिमेन होवर्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वूबी डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट. अब देखिए, हम वहाँ से गुजरते हुए, निकलते हुए गए उस स्टिंकिंग लेन्स में से, कौन, ऑथर और मुकेश. स्टिंकिंग लेन्स का मतलब क्या होता है, स्टिंकिंग मतलब गंदी गंदी गलियों में से जहाँ से फूल सी स्मेल आ रही थी, बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी, चॉक्ड जो कि भरी हुई थी गार्बेज से, और जो जो कि उनके जो घर थे दैट रिमेन होवल्स, जो उनके घर थे कैसे थे, स्लम में जैसे बने होते ना वैसे घर थे, जैसे कि क्रम्बलिंग वॉल्स थी, जैसे कि गिरने वाली, कांपने वाली, जैसे बड़ी वीक सी वॉल्स बनी हुई थी, वॉबली डोर्स थे, अनस्टडी से डोर्स थे, कोई विंडो नहीं थी, और फैमिलीज के अंदर लोग धुसे हुए थे, मतलब एक ही घर में इतने इतने लोग रह रहे थे, और साथ ही को एग्जिस्टिंग वहाँ पे, और कौन रह रहा था उनके साथ, कौन को एग्जिस्ट कर रहा था, एनिमल्स भी उन्हीं के उसी घर में ही रह रहे थे जहाँ पे वो खुद रह रहे थे. जैसे कि प्रिमिवल स्टेट में क्या होता था, जैसे कि राइटर को ये याद आया, राइटर रिमाइंडेड ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन, जो कि किसके साथ रहता था, जैसे कि एनिमल्स रहते थे वैसे रहता था, तो राइटर को ये बात याद आने लग गई, राइटर ने उनको उनसे कंपेयर कर दिया. आगे देखो. He stops at the door of one such house. अब वो चलते चलते at last एक door के बाहर खड़ा हो गया मुकेश. Bangs a wobbly iron door with his foot, अपने पैर से उसने वो एक कांपता हुआ वूबी सा आयरन डोर को क्या किया, ऐसे धक्का सा मारा अपने फुट से, एंड pushes it open, और उसे खोल दिया. We enter a half built shack. हम एक half built मतलब आधी जैसे बनी हुई टूटी फूटी सी हट में घुसे. इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass, उसका जो एक पार्ट था वो किससे कवर्ड था, thatched का मतलब होता है कवर्ड, विद किससे कवर्ड था, डेड ग्रास से. इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सेट, और एक वहाँ पे क्या थी, एक फायरवुड स्टोव था जहाँ पे, जिसके ऊपर, जिस स्टोव के ऊपर क्या पड़ा हुआ था, एक लार्ज सा वेसल पड़ा हुआ था, कंटेनर पड़ा हुआ था, जिसके अंदर सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसके अंदर जो स्पिनच लीव्स थे, पालक की जो पत्तियां थी वो क्या हो रही थी, पक रही थी. सिजलिंग क्या होती है, साउंड होती है जब कुकिंग की या फ्राइंग की, ठीक है. स्पिनच लीव्स उस वेसल में, उस लार्ज वेसल में, फायर स्टोव के ऊपर, फायरवुड स्टोव के ऊपर वो लार्ज वेसल पड़ा हुआ था, और उसके अंदर स्पिनच लीव्स थे जो कि पक रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी राइटर को. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे देखते हैं क्या था. On the ground, in large aluminium platters are more chopped vegetables. और ground में, ground पे, large aluminium platters पे, plates पे और कटी हुई vegetables रखी हुई थी, ठीक है. आगे देखते हैं.
ठीक है, चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेल? फ्रेल का मीनिंग होता है, एक सेकेंड, फ्रेल का बेटा मीनिंग होता है वीक, थिन, पतली सी, वीक। वहाँ पे कौन थी? एक पतली सी, थिन सी यंग वुमेन थी जो कि क्या पका रही थी, क्या कुक कर रही थी, इवनिंग मील रेडी कर रही थी अपनी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। हालांकि उसकी आंखें स्मोक से भर गई थी ड्यू टू दैट फायरवुड स्टोव, उसकी आंखें स्मोक से भर गई थी, लेकिन उसके फेस पे क्या थी? स्माइल थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो कौन थी? वो कौन थी भाई? मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू। इतनी ज़्यादा एज की नहीं थी और छोटी एज में ही उसको बहू की उपाधि मिल गई थी। वो बहू बन गई थी किसी की डॉटर इन लॉ बन गई थी हाउस की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, ऑलरेडी तीन आदमियों का, तीन मैन का उसने चार्ज ले रखा था। मतलब तीन लोग, तीन आदमी थे उसके घर में। कौन कौन? हर हस्बैंड, उसका खुद का हस्बैंड मुकेश और उसके फादर। तो इन सब की केयर टेकर कौन थी? वही मुकेश की एल्डर, मुकेश की भाभी लगा लो, एल्डर ब्रदर की वाइफ। ठीक है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब ओल्डर मैन एंटर कर रहे थे घर में, यानी कि उसके फादर मुकेश के, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। जब वो उन्होंने एंटर किया घर में, तो उसने क्या किया उस लेडी ने, उसने जेंटली कहाँ छुप गई, अपने आप को छुपा लिया उस ब्रोकन वॉल के पीछे, और अपना जो वेल था, अपना जो पल्लू था, दुपट्टा था, अपने फेस के क्लोजर ले आई। जैसे कि कस्टम होता है बड़े, आप देखते होंगे पहले तो ये होता था कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको देख के आगे पल्ला कर लिया जाता था, जैसे मुंह छुपा लिया जाता था, तो उसने भी वही किया। एज द कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम होता है भाई, ब्रिंग्स, सॉरी, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। यही कस्टम हुआ करता था कि डॉटर इन लॉज को क्या करना होता था, अपने फेस को कवर कर लेना होता था मेल बंदों के आगे, मेल एल्डर्स के आगे। इन दिस केस द एल्डर इज एन, इस केस में जो एल्डर वन था, मतलब कि कौन, मुकेश के फादर, वो कौन थे? एक एम्पावरिश्ड बेंगल मेकर थे। एम्पावरिश मतलब जिनको अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिला हो, डाइट ना मिली हो, ठीक है, बेंगल मेकर थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बेंगल मेकर, ही हैड फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। इतने समय के हार्ड वर्क के बाद भी, पहले वो तो वो टेलर थे, उसके बाद बेंगल मेकर, फिर भी इतनी हार्ड वर्क और इतनी लेबर के बाद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए थे। ठीक है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही इतना कमा पाए थे कि वो अपने दोनों बच्चों को कहाँ भेज सके, स्कूल भेज सके। ऑल हैज ही मैनेज्ड, ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम, टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। सिर्फ उनको, सिर्फ वो क्या दे पाए थे अपने बच्चों को, सिर्फ अपने बच्चों को वही सिखा पाए थे क्या जो वो खुद जानते थे, द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग। क्या अपने बच्चों को भी वो क्या सिखा पाए थे? बेंगल मेकिंग की कला सिखा पाए थे। ना ही वो अपना इतने टाइम हार्ड वर्क करने के बाद, पहले एक टेलर, फिर उसके बाद बेंगल मेकर होने के बावजूद भी वो अपना घर तक रेनोवेट नहीं कर पाए थे, अपने दोनों बच्चों को स्कूल तक नहीं। तो आप इनसे, आप समझ रहे होगे कि उनकी इनकम कितनी कम होगी, क्योंकि हर फैमिली फिरोजाबाद में किसी किस प्रोफेशन में एंगेज थी? बेंगल मेकिंग के प्रोफेशन में एंगेज थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust. Go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब भाई उसकी grandmother वहाँ बैठी हुई थी, वो क्या बोली कि ये तो उनका कर्म है, कर्मा है, destiny है, यही उनका भाग्य है, फेट है। मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए, अंधा होते हुए देखा था, पॉलिशिंग की, ग्लास जो बैंगल्स को पॉलिश करते हैं उसकी डस्ट की वजह से ब्लाइंड होते हुए उसने अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने देखा था। तो वो क्या कहती हैं कि ये तो हमारे कर्म है, ये तो उनके कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, हमें यही करना है। ठीक है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान ने जो हमारे हाथों में लिख दिया है, हमारी लकीरों में बना दिया है, क्या उसको कभी भी तोड़ा जा सकता है? शी इम्प्लाइज गॉड गिवन लाइनेज, यहाँ पे क्या है, लीनेज क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे है उनका वो ट्रेडिशनल प्रोफेशन बैंगल मेकिंग का, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। उसकी ग्रैंड मदर ये कहना चाह रही है यहाँ पे, क्या वो कभी तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। या वो कभी भी कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं, भगवान ने उनके हिस्से में लिखा ही यही है, सबके हिस्से में, उसके फादर, फोर फादर, सब बच्चे सब यही कर रहे हैं, क्या बैंगल्स बना रहे हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होना का मतलब क्या है? उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ क्या देखी है अपनी लाइफ में? बैंगल्स ही देखी है। इन द हाउस, अपने घर में, यार्ड में, ठीक है, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर कोई किस में बिज़ी है? बैंगल बनाने में ही बिज़ी है, हर कोई इसी काम में ही बिज़ी है, बैंगल बनाने के काम में ही। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, बैंगल्स के स्पायरल्स, ऐसे गोले के गोले, मतलब पूरे ग्रुप के ग्रुप, सनी गोल्ड कलर के, पैडी ग्रीन कलर के, रॉयल ब्लू कलर के, पिंक कलर के, पर्पल कलर की, हर एक कलर की बैंगल्स वो बनाते हैं। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के सेवन कलर्स में से जो भी कलर्स है ना, सारे कलर्स की वो बैंगल बनाते थे। लाइन द मोन्स एंड अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पुल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। यस, बैंगल्स के स्पाइरल्स वो इतने बनाते थे, और वो उनकी बैंगल्स हर एक घर में होती थी, ठीक है। लाई इन माउंट्स, हाँ, कहाँ पे पड़ी हुई होती थी? माउंट्स में, ग्रुप में, हीप में, ढेरों के ढेर पड़े होते थे, अनकैम्प्ड यार्ड्स में, डर्टी से, जिनकी कोई परवाह नहीं करता था, ऐसे पड़ी हुई होती थी बैंगल्स, ठीक है, पाइल्ड ऑन, और उनको इकट्ठा करके फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पे रख दिया जाता था, और उसको एक यंग मैन घुमाता हुआ, जैसे रेडी पे हैंड कार्ट ले जाता हुआ, रेडी पे पूरी गलियों में घुमाता था, ठीक है, भाई बैंगल्स ले लो, चूड़ियाँ खरीद लो, ठीक है, लाइक दैट करके, पुश्ड बाय अ यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, उस शेंटी टाउन में, उस टाउन में जो कि किससे भरा हुआ था, स्मॉल और रफली बिल्ड हट से भरा हुआ होता था। शेंटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ियाँ, पट्टे बने हुए होते थे, रफली जो बनी हुई होती थी ऐसी, वहाँ पे लेके घूमता था यंग पर्सन फैमिली का, ठीक है। आगे देखो, एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। अब डार्क हटमेंट्स में, अब फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब जहाँ पे जो लैम्प्स होते थे वो भी उनकी जो फ्लेम्स होती थी फ्लिकर करती, मतलब बहुत ही कम रोशनी में बैठ के, कौन लड़के लड़कियाँ अपने मदर फादर के पास क्या करती थी? बैंगल्स के सर्कल्स बनाती थी, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस को, जो ग्लासेस के कलर्ड पीसेज होते थे ना, उनको वेल्ड करते हुए सर्कल्स बैंगल्स को फॉर्म करते थे, बैंगल्स को शेप देते थे, बैंगल्स को बनाते थे, यानी कि हर कोई फैमिली का लड़का, लड़की, माँ, बाप, सब किस में बिजी होते थे? बैंगल मेकिंग में ही बिजी होते थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आइज जो थी वो इतने डार्क में एडजस्ट हो जाती थी, मतलब इतने डिंगी सेल्स में, इतने डार्क एनवायरनमेंट में वो काम करते थे, ठीक है, वो ठीक है, कौन वो सब लोग, ठीक है, तो उनकी जो आई साइट थी वो एडजस्ट नहीं हो पाती थी बाहर के लाइट से, मतलब अंदर इतना डार्क होता था, बाहर अच्छी लाइटिंग होती थी, तो उनकी जो आई साइट थी उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता था। दैट इज़ वाई दे ऑफन, इसी रीज़न से उनकी जो आई साइट थी उनको वो क्या हो जाती थी, जल्दी ही एडल्ट होने से पहले ही उनकी आई साइट लूज हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी उनकी आईज। सविता, अब एक सविता की बात कर रही है हमारी राइटर। सविता अ यंग गर्ल इन डार्क पिंक ड्रेस, एक लड़की थी, एक यंग गर्ल थी, सविता था जिसका नाम, जो कि जिसने कि एक पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। डार्क का मतलब होता है फेडेड, लगा लो आप, ठीक है, कलरलेस या फेडेड, जिसका मतलब डल कलर हो जाता है। फेडेड पिंक ड्रेस पहन रखी थी। सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक एल्डर वुमेन के साथ ही बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कि क्या कर रही थी, पीसेज ऑफ ग्लास को अरेंज करके बैंगल बना रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके जो हाथ थे बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे कि मशीन के टोंग्स चलती है ना, मशीन चलती है वैसे उसके हाथ चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उस आर्ट में इतने ज़्यादा परफेक्ट हो चुके थे, सालों से वो यही काम कर रहे थे। आई वंडर
इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. वो राइटर क्या कहती है, द राइटर वंडर्ड इफ सविता न्यू दैट बैंगल्स वर सेक्रेड. उसको ये हैरानी हो रही थी कि क्या सरिता को पता है कि ये जो बैंगल्स हैं इसकी कितनी पवित्रता होती है, ये बैंगल्स कितनी सेक्रेड होती हैं. ये बैठ के हेल्प तो करा रही है बैंगल बनाने में, क्या इस बच्चे को ये भी पता है कि ये बैंगल्स किस लिए होती हैं और इसकी क्या सेक्रेडनेस क्या होती है, कितनी पवित्र होती हैं ये बैंगल्स. आगे देखते हैं. इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग. ये जो बैंगल्स हैं ये किसको सिम्बोलाइज करती हैं, इंडियन वुमेन के सुहाग को, ऑस्पिशियसनेस को. इन जो ऑस्पिशियसनेस होती है, गुड कहते हैं ना कि अच्छा एक वो शगुन माना जाता है मैरिजेस का, उसको इंडिकेट करती हैं ये बैंगल, सिम्बोलाइज करती हैं. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद अ रेड वेल. अब वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि ये जो है डॉन ऑन हर का मतलब क्या है, वो रियलाइज़ कर लेगी. कौन, वो खुद रियलाइज़ कर लेगी ये बात को कि ये बैंगल्स की क्या महत्व है, इस बैंगल का क्या मतलब है. ये उस को सविता को तब रियलाइज़ होगा जब उसका सिर जो है किससे ढकेगा, एक रेड दुपट्टे से ढकेगा. यानी कि वो जब खुद ब्राइड बन जाएगी तब उसको इसकी सेक्रेडनेस समझ में आ जाएगी, कितनी सेक्रेड होती हैं ये बैंगल्स. जब उसके हाथ डाई हो जाएंगे हीना से, उसके हाथों पे मेहंदी लगेगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट, और रेड बैंगल्स उसकी बाजुओं में, उसकी आर्म्स में डलेंगी, रिस्ट पे डलेंगी, शी विल देन बिकम अ ब्राइड. और जब वो ब्राइड बन जाएगी तब वो ये रियलाइज़ करेगी कि तब उसे ये पता चलेगा कि इस बैंगल्स की क्या महत्वता होती है, क्या सिम्बोलाइज करती हैं ये बैंगल्स. ठीक है, आगे देखते हैं. Like the old woman beside her who became one many years ago. जैसे कि old woman जो कि उसके beside, उसके side में ही बैठी है, जब वो bride बनी थी बहुत साल पहले, तब उसे भी ये realize होगा, सविता को भी ये realize होगा जब वो खुद bride बनेगी. She still has bangles on her wrist. उसने अभी भी उसके wrist में अभी भी bangles हैं उस old woman में, woman के wrist में, लेकिन उसकी आँखों में क्या नहीं है, light नहीं है. अब समझ में आ गई ना, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा काम करा है वहाँ पे बैठ के. किस में बैठ के, डिंगी सेल्स में बैठ के बैंगल्स बनाई हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको. आगे देखते हैं वो क्या बोलती है वो लेडी. एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. बड़ी ही कंप्लेनिंग वे में, सैड टोन में वो लेडी क्या बोलती है. एक वक्त पेट भर के, शेर भर, शेर का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी है ये मेजरमेंट की. एक वक्त का खाना भी उसने पेट भर के नहीं खाया है. वो लेडी कंप्लेनिंग वॉइस में ये बात किसको बोलती है, हमारी राइटर को, हमारी ऑथर को बोलती है. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में मतलब एक मील भी ढंग से पूरा इंजॉय करके नहीं खाया है, पेट भर के नहीं खाया है. दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड. और यही उन्होंने रीप किया है, यही उनको मतलब रिसीव हुआ है इस प्रोफेशन से, इस बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से. देख रहे हो अब आप कि ये बैंगल मेकिंग का प्रोफेशन उनको कितना, कितनी इनकम जनरेट करता होगा कि वो एक वक्त भी भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं. आगे देखिए. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. उसके हस्बैंड जो कि ओल्ड मैन थे फ्लोइंग बियर्ड के साथ, उन्होंने क्या बोला कि मैंने कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता सिर्फ बैंगल के को छोड़ के, मतलब और कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ बैंगल बनानी ही आती है. ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. जो भी मैं जितना भी कर सका, सिर्फ मैं एक घर बना सका अपनी फैमिली के लिए, उनके रहने के लिए, ताकि वो अपने अपना सिर ढक सके मेरे फैमिली मेम्बर्स. हियरिंग हिम वन वंडर्स If he has achieved what many have failed in the lifetime. उसको सुन के कोई हैरान हो सकता है, इवन राइटर भी हैरान हो रही थी कि वो इस तरीके से कह रहा था कि ये सोचे कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. शायद कई लोगों ने जो कि उन्हीं के ही प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, वो लोग ये तक नहीं अचीव कर पाए हैं. ठीक है, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. बस इतना तो है कि उनके सिर के ऊपर एक रूफ है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home.
मनी का ना होना, टू डू एनीथिंग, कुछ और ना करना, सिर्फ क्या कैरी ऑन करना, इस बैंगल मेकिंग का बिजनेस ही कैरी ऑन करना, सिर्फ खाने के लिए इनफ ना होना, ये हर एक घर की कहानी थी। ठीक है, ये हर एक घर के कहानी थी जो कि फिरोजाबाद में किस प्रोफेशन में इन्वॉल्व था, बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व था। बेटा अब आप लोग कहोगे कि फिर वो बैंगल मेकिंग करते क्यों थे, कुछ और कर लें, इसके पीछे भी रीज़न था। अभी आपको वो रीज़न क्लियर होगा कि वो लोग ये काम ही क्यों करते थे, कुछ और क्यों नहीं करते थे। देखते हैं, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो यंग मैन होते, जो यंग मैन हैं आज के, जैसे फिरोजाबाद के जितने भी बच्चे जो आगे और जनरेशन आ रही है, इको का मतलब क्या है, रिपीट। इको का मतलब है रिपीट। लेमेंट का मतलब क्या है, कंप्लेन। ठीक है, जो यंग मैन है, जो फिरोजाबाद के यंग बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, वो भी क्या कर रही है, अपने एल्डर्स के ही मतलब एल्डर्स के ही काम को आगे जारी रख रही है। मतलब वो भी और कुछ नया नहीं कर रहे, वो भी वही काम कर रहे हैं जो उनके एल्डर्स करते आए हैं। ठीक है, लिटल हैज मूव्ड विद टाइम, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है टाइम के साथ, टाइम के साथ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है इट सीम्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब क्या होता है, बोरिंग। माइंड नंबिंग, बोरिंग। टॉयल का मतलब क्या होता है, फिजिकल हार्डवर्क लिविंग के लिए जो किया जाता है। ठीक है, फिजिकल हार्ड वर्क डन फॉर लिविंग। ठीक है, डन टू अर्न अ लिविंग। तो वो यही कह रही है राइटर, इतना बोरिंग सा और इतना फिजिकल हार्ड वर्क जो इतना ईयर्स, कितने सालों से वो लोग करते आ रहे हैं, वो मुकेश और भी बहुत सारी फैमिलीज करते आ रही हैं, इससे जो उनके अंदर का जो इनिशिएटिव वाली भावना थी वो क्या हो चुकी है, उन लोगों के अंदर से ख़त्म हो चुकी है। और ड्रीम्स की एबिलिटी भी क्या हो चुकी है, कुछ सपने बुनना, कुछ और अपने लिए करना, अपनी फैमिली के लिए करना, ये सारी एबिलिटीज़ उनके अंदर से क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middleman who trapped their fathers and forefathers. Now the writer Ennis Jung asked a group of men who had already fallen into the circle of middleman. ठीक है, अब हिंदी में ही बताती हूँ। जो हमारे ये थे कौन, ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये जो लोग बैठे हुए थे, इनसे हमारी एनएस जंग ने पूछा, क्या पूछा, कि तुम लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं फॉर्म कर लेते, ऑर्गेनाइज कर लेते हो, एक आपस में एक ग्रुप बना लो ना और इससे बाहर निकलो, कोशिश करो इससे बाहर निकलने की। ठीक है, जो कि किसमें फंस चुके थे, इन मिडल मैन के सर्कल में फंस चुके थे, उनके फादर्स को इन लोगों ने क्या कर रखा था, अपने ट्रैप्स में फंसा के रखा हुआ था, अपने फादर्स को, इन फादर्स और उनके फोर फादर्स, सारे के सारे लोग इनके ट्रैप्स में क्या हुए हुए थे, फंसे हुए थे, कि उन्होंने यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमारी राइटर ने उनको कहा कि तुम क्यों नहीं ऑर्गेनाइज होकर कोऑपरेटिव फॉर्म कर लेते। देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से उन्होंने क्या बोला, इफ वी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट ना, देन द पुलिस विल कम एंड कैच अस एंड पुट अस इन टू द जेल, पुट अस बिहाइंड द बार। ठीक है, दे विल से दैट वी हैव डन द इलीगल वर्क। ठीक है, वो हमें क्या कहेंगे, वो कहते हैं अगर हमने ऐसा कोशिश करी करने की कुछ अलग, तो क्या करेंगे, पुलिस आएगी, हम लोगों को पकड़ेगी और कहेगी तुम इलीगल काम कर रहे हो और हमें जेल के पीछे डाल देगी। जब ये एनिस जंग ने उन लोगों को बोला कि तुम कोऑपरेटिव फॉर्म कर लो, ठीक है, उन यंग लोगों को बोला, यंग मैन को बोला जो कि विशियस सर्कल में फंस चुके थे मिडल मैन के, जो कि हु ट्रैप देयर फादर, जिन मिडल मैन लोगों ने उनके फादर्स को, फोर फादर्स को जब पहले से ही पकड़ रखा था, तो अब हमारी एनिस जंग ने कहा कि इन यंग लोगों को समझा के देखती हूँ शायद कुछ हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए ना तो क्या होगा,
हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी और हमें जेल के पीछे डाल देगी ये कह के कि हमने कुछ इल्लीगल काम किया है। अब बात क्या थी एक्चुअल में, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर नहीं था जो उनको गाइड कर सके उनके बीच में, ठीक है, कहाँ गया, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन who could help them see things differently, कोई ऐसा नहीं था जो कि उनकी हेल्प कर सके, उनको दिखा सके चीज़ों को अलग तरीके से भी, देखो यार कुछ और करने की कोशिश करो, जब तुम्हारा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो कुछ और करो ना, ठीक है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी इतने ही टायर्ड हो चुके थे जितने कि ये हो चुके हैं, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी टू ग्रीड एंड टू जस्टिस, वो उसी स्पायरल के बारे में बात करते हैं, स्पायरल क्या होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस, स्पायरल क्या होता है, ख़त्म ना ख़त्म होने वाला ऐसा प्रोसेस, उसी स्पायरल की बात करते हैं, नेवर एंडिंग सर्कल की बात करते हैं जो कि उनकी पॉवर्टी से एपथी तक घूमता है, एपथी क्या होती है, लैक ऑफ कंसर्न, क्या होता है, लैक ऑफ कंसर्न, ठीक है, और ग्रीड और इनजस्टिस से, मतलब यहीं से ही इनका ये सर्कल घूमता रहता है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ कंसर्न, फिर ग्रीड और इनजस्टिस होता है उनके साथ, ये सर्कल यहीं से ये प्रोसेस इनका चलता रहता है और ये उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, अब उनको सुनते हुए राइटर को लगा कि यार इस दुनिया में तो दो टाइप के वर्ड हैं, दो तरह के वर्ड बसे हुए हैं, दो तरह की दुनिया बसी हुई है, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो एक ऐसी फैमिलीज जो किस में फंसी हुई है, पॉवर्टी के वेब में फंसी हुई है, पॉवर्टी जिनको देखनी पड़ रही है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और किस क्या बर्डन है उनके ऊपर, कास्ट का बर्डन है कि उन जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं, जिस काम में जो कि उनको बताता है कि उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन ही बैंगल मेकिंग है और कुछ नहीं है, एक तो ये वर्ड है जो लोगों ने बसा रखा है कि इसके अलावा वो कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और दूसरा वर्ल्ड क्या है जो कि उन करप्ट लोगों से भरा हुआ है, जो कि किसका सर्कल है, साहूकार्स का, जिन्होंने उनको एंट्रैप कर रखा है, उनके फादर्स को, फोर फादर्स को, अब वो यंग जनरेशन को भी जिन्होंने ट्रैप कर लिया है, मिडल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, दूसरा वर्ड है इनका, जिनकी वजह से ये लोग क्या है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि दो रीज़न है जिसकी वजह से वो अलग नहीं सोच पाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पहला तो ये कि वो उस कास्ट में पैदा हुए हैं जिस कास्ट का ट्रेडिशन क्या है कि उन्होंने क्या करना है, गॉड गिवन लाइनेज मान ली है उन्होंने, तो ये कि उनका काम है बैंगल बनाना और कोई काम है ही नहीं, ये स्टिग्मा है उनके ऊपर, और दूसरा क्या, हमारे ये साहूकार्स, ये लोग जो कि करप्ट है, जो कि उनको इन चीज़ों से बाहर आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. और together इन दोनों चीज़ों ने ही, किस किस ने, एक तो उनकी कास्ट की वजह से जिसकी वजह से वो कुछ और नहीं सोच सकते हैं, और दूसरा ये इन साहूकार्स, इनके सर्कल की वजह से, इन्होंने क्या इम्पोज हमारे बच्चों के ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर इस चीज़ का बर्डन डाला हुआ है जो कि वो नहीं उतार सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, बिफोर वो बच्चा, यंग जनरेशन इस चीज़ से अवेयर हो, वो उसी को ही क्या एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेती है कि उन्होंने यही करना है और कुछ नहीं करना, जैसे कि उन्होंने उनके फादर ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना का मतलब है कि उन लोगों को डेयर करना, उन लोगों को चैलेंज करना, किन लोगों को, इन साहूकार्स को, इन पुलिस मैन को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग करना, किसी को डेयर करना उनकी ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब हमारी एनएस जंग ने, राइटर ने ये चमक मुकेश की आंखों में देखी ना कि यार एक बंदा इस फिरोजाबाद में, एक ही बंदा उसको ऐसा दिखा जिसकी आंखों में कुछ अलग करके दिखाने की चमक थी, जो कि इतना कॉन्फिडेंट था कि वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता था, वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता था, जो कि उनकी कास्ट उनको सिखाती थी कि उन्होंने यही करना है। तो ये देख के हमारी एनएस जंग को, हमारी ऑथर को बहुत ही खुशी हुई।
आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, उसने फिर से रिपीट किया, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और वहाँ पर जाके सीखेगा कार ड्राइव करना. बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज था उसके घर से काफ़ी दूर था. आई वॉक, ही इंसिस्ट, अब उसने उस इस चीज़ का क्या जवाब दिया कि मैं पैदल चल के चला जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम, अब आगे हमारे ऑथर ने क्या कहा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन फ्लाइंग का भी ड्रीम तुम्हारा है, सपना है. ही इज सडनली साइलेंट, और जब हमारी ऑथर ने उससे मुकेश से ये बात पूछी तो वो एकदम से शांत हो गया, साइलेंट हो गया. नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, अब वो ग्राउंड को देखता हुआ क्या बोलता है उसने, उसने कहा नहीं. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, और जो उसने इतनी स्मॉल बड़ी लिटल वॉइस में ये जब बात कही तो उसकी आंखों में एक एम्बेरसमेंट सा शो हो रहा था, कि शर्म से शो हो रही थी. दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट, जो कि अभी रिग्रेट में टर्न नहीं हुई थी. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज hurtling down the streets of his town. वो सेटिस्फाई था अपने इस ड्रीम से, कार ड्राइविंग के इस ड्रीम से, जो कि उसके टाउन में उसके स्ट्रीट्स में क्या थी उसको दिखती थी चलती हुई. हटलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, हटलिंग का मतलब होता है मूविंग अराउंड. ठीक है, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, हालांकि कुछ ही एरोप्लेन्स, नाम मात्र एरोप्लेन्स ही फिरोजाबाद के ऊपर से फ्लाई ओवर करके जाते हैं. तो इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ का लैक है वहाँ पे. तो फिर वो अपने टाउन में कार्स को तो देखता था, लेकिन जो उसकी प्लेन्स तक की पहुँच है वो नहीं है, मतलब वो नहीं, ये तो बिल्कुल ही बियॉन्ड बियॉन्ड ड्रीम है, वो ये चीज़ तो कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता था. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, हमारा लोस्ट स्प्रिंग का. ठीक है, दैट इज़ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश की कहानी थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशनल भी थी, कि भाई अगर किसी की आंखों में कोई ड्रीम हो वो उसको पूरा कर सकता है. ठीक है, बस उसको पूरा करने के लिए आपको हार्डवर्क, लेबर, एक जज्बा होना चाहिए, एक आप के अंदर वो जील होनी चाहिए उसको करके दिखाने की. तो मुकेश ने भी यही शो किया, हालांकि उसके फैमिली, उसकी पूरी फैमिली, इनफैक्ट पूरा फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर एवरी अदर हाउस किसमें इन्वॉल्व था, ग्लास मेकिंग में इन्वॉल्व था, फिर भी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट था, इतना डिटर्मिनेशन था, कि उसने क्या कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.